चेंबूर की चिड़ा नगर में अल्ताफ शेख के द्वारा भोजन किया गया वितरित। सर, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पीपल हेल्पलेस फाउंडेशन जो है, ये 5 साल से ज़्यादा हो गया इनको काम करते हुए मुंबई शहर में, और मुंबई से बाहर से भी इनको मदद के लिए अगर कोई गुहार लगाता है तो वहाँ पे भी मदद अपनी पहुँचाते हैं। मैं 5 साल से ज़्यादा हो गया अल्ताफ को देख रहा हूँ मैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गरीबों की मदद इस तरह से करते हैं निस्वार्थ होकर, कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, किसी का स्वार्थ नहीं है। और ये लोगों को खाना खिलाना सिर्फ इनका मकसद नहीं है, भूखों का पेट भरना इनका मकसद है, भूखों का पेट भरने का मकसद है, गरीबों का इलाज कराना इनका मकसद है। जो गरीब होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिनके पास इतना फाइनेंशियली जो ज़ीरो होते हैं, एटलीस्ट उनके लिए एजुकेशन का पूरा अरेंजमेंट करते हैं। जो लोग इलाज नहीं कर पाते उन लोगों का इलाज में आगे बढ़ते हैं। मैं इनके काम को इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर इतना देखता रहता हूँ कि पीपल हैप्पीनेस फाउंडेशन के द्वारा अन्नदान का आयोजन किया गया। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष अल्ताफ शेख हैं। इस अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन मानखुर्द लिंक रोड के चिड़ा नगर स्थित इलम एरिया में किया गया। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक अजहर हुसैन व खलनायक की भूमिका अदा करने वाले सुरेंद्र ठाकुर ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। देखिए एक रिपोर्ट। आज हम मानखुर्द घाटकों पर लिंक रोड में खड़े हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे चिड़ा नगर का इलाका है, जहाँ पीपल हैप्पीनेस फाउंडेशन के द्वारा आज भोजन यानी खाना वितरण का कार्य किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे जिसके ये नज़ारा है, जहां स्लम इलाके में कहा जा सकता है, जय अम्बे नगर मानखुर्द लिंक रोड शेरा नगर का यह इलाका है, जहां पीपल हैप्पीनेस फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो अल्ताफ शेख, उनके द्वारा गरीबों को भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है। तो ये स्लम इलाका है और इस तरीके के इलाके में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अल्ताफ शेख के द्वारा लगातार जो है सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। आज उसी क्रम में कहा जा सकता है कि अल्ताफ शेख के द्वारा आज भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि भोजन का स्वाद लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो उनके साथ आज नज़र आ रहे हैं फिल्म के खलनायक की भूमिका अदा किया है, और वहीं डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर भी नज़र आ रहे हैं, जो कि लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं। सर, आज पीपल हैप्पीनेस फाउंडेशन जिसके प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ शेख जी, आज उनके इस कार्य में आप सम्मिलित हुए, शामिल हुए, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पीपल हेल्पलेस फाउंडेशन जो है, ये 5 साल से ज़्यादा हो गया इनको काम करते हुए मुंबई शहर में, और मुंबई से बाहर से भी इनको मदद के लिए अगर कोई गुहार लगाता तो वहाँ पे भी मदद अपनी पहुँचाते हैं। मैं 5 साल से ज़्यादा हो गया अल्ताफ को देख रहा हूँ मैं। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गरीबों की मदद इस तरह से करते हैं निस्वार्थ होकर, कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, किसी का स्वार्थ नहीं है। और ये लोगों को खाना खिलाना सिर्फ इनका मकसद नहीं है, भूखों का पेट भरना इनका मकसद है, भूखों का पेट भरने का मकसद है, गरीबों का इलाज कराना इनका मकसद है। जो गरीब होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिनके पास इतना फाइनेंशियली जो ज़ीरो होते हैं, एटलीस्ट उनके लिए एजुकेशन का पूरा अरेंजमेंट करते हैं। जो लोग इलाज नहीं कर पाते उन लोगों का इलाज में आगे बढ़ते हैं। मैं इनके काम को इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर इतना देखता रहता हूँ कि मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि खुदा ने मुझे वैसा नवाजा होता तो मैं भी शायद अल्ताफ के साथ इसी तरह से काम कर रहा होता। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अल्ताफ जब कभी काम करे, मुझे याद करे, मैं उसके साथ आगे खड़ा रहूँ, अगर हो जाता हूँ इसके साथ आकर मैं, तब भी मैं कामयाब हो जाऊँगा उस जगह पे आकर। आज ये जो गोवंडी के छेड़ा नगर में जो इन्होंने मुहिम स्टार्ट किया है, कि यहाँ पे जितने भी स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, इन सबको खाना पहुँचा रहे हैं। वो खाने में क्या है, चावल है, दाल है, केला भी दे रहे हैं, ताकि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पानी का बिस्लेरी बॉटल दे रहे हैं लोगों के लिए, ताकि ये सब जगह पहुँचे। और इस खाने के लिए दोस्त, सबसे जो बड़ी बात है ना, कि मज़हब नहीं देख रहे हैं, ये कोई मज़हब देख के खाना नहीं खिलाया जा रहा है कि वो इस लाइन में कोई हिंदू लगा है, कोई मुस्लिम लगा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई नहीं। इनका सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इनका दिल है, जो कि एकदम साफ है, हर मज़हब के लिए साफ है। इसलिए ये खड़े हैं यहाँ पे और लोगों तक अपनी मदद पहुँचा रहे हैं, ताकि अल्लाह इन्हें और नवाजे भाई, और भी तरक्की करे, ताकि हर किसी के पास खाना नहीं, आपको
एजुकेशन ही आपका, मेडिसिन नहीं, हर तरह की मदद पहुंचाता लड़का ये। मतलब आप 24 घंटे में कभी भी इसको याद करेंगे अल्ताफ को ना, अल्ताफ 24 घंटे हर किसी के लिए खड़ा है निस्वार्थ। मतलब कैसे कैसे अरेंज करता है इन सब चीज़ों को, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है और अल्लाह इसको मदद पहुंचाता है। साफ नियत है और इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं, सुरेंद्र पाजी आए हैं, सुंदर ठाकुर। ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर और ये डायरेक्टर्स इनकी दोस्ती नहीं है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री अल्ताफ को जानती है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री। कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, कई अवार्ड इन्हें मिल चुका है इसी वजह से, और इनको हर प्रांत में बुलाया जाता है पॉजिटिव वे में। कि कोई एक ऐसा सोशल वर्कर हमारी मुंबई शहर में रहता है जो आधी रात को हर किसी के लिए खड़ा होता है। लोग सिर्फ बात करते हैं, ये बात नहीं करते, ये दिखाते हैं। ये देखो, मैं बताता नहीं, मैं दिखाता हूँ कि मैं कर रहा हूँ काम। तो ये उनमें से हैं, वन मैन आर्मी कहेंगे अल्ताफ शेख को हम। भाई आगे इसी तरह बढ़ते रहो यार, हम तुम्हारे साथ हो, जब भी बोलोगे हम यहाँ पे खड़े आएंगे। सर अभी अल्ताफ शेख ने बताया जैसे कि आप एक फिल्म, सर आप पहले अपना नाम बताएं। ये मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है और हमारे अजहर जी जो है बहुत ही पुराने हमारे मित्र हैं, तो इन्होंने मेरे को कल ही ये चीज़ बताई है कि हमारे अल्ताफ भाई जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब पब्लिक की नज़रों में एक ऐसा काम है जो हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी सेवा करने का सोचता है। मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं किसी को 100 रुपये 50 रुपये की हेल्प करूँ, लेकिन हर आदमी वो नहीं कर सकता। लेकिन इस आदमी ने वो चीज़ करके दिखाई है, अपने आप चाहे भूखा रहेगा चाहे पैसा रहेगा, लेकिन ये पब्लिक के बीच में दर्शाता नहीं उस चीज़ को, लेकिन इसका दिल करता है कि यार अगर मैंने 2 रोटी खाई है ना तो मैं 1 रोटी औरों को भी खिला सकता हूँ। और आज यही मुहिम इन्होंने छेड़ी हुई है। देखो कितने गरीब बच्चे जो है यहाँ पे खाना खा रहे, कितनी दुआ देके जाएंगे इनके लिए। हमारी तरफ से भाई आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, आप ऐसा ही काम करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जहाँ पे हमारी मतलब ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी आपको कुछ लगेगा कि यार ठाकुर साहब आज ऐसी प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ आ जाओ, तो हम जैसे आज आए हुए वैसे आगे भी आएंगे। और ये काम जो है जात पात भेदभाव धर्म को नहीं मापा जाता और ना ये माप रहे हैं इस चीज़ को। ये एक निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं कि जो भी मेरे दरवाजे पे आएगा उसको मैं खाना खिला के भेजूंगा। मेरी रोटी, 1 रोटी खिलाने की कैपेसिटी नहीं है, 1 निवाले की तो है ना, मैं अपनी थाली से 1 निवाला खिला के दूंगा लेकिन भूखा नहीं भेजूंगा। ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाई, तो हम यही चाहते हैं कि आप ऐसा ही काम करते रहें, आगे बढ़े। सुरेंद्र ठाकुर जी, सर आप हमें ये बताएं आपने कौन कौन सी अदाकारी की है? जी अदाकारी तो बहुत की है, अभी गिनने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बीच बीच में जैसे कि बेशर्म पिक्चर थी, बेशर्म पिक्चर है, पुलिसगिरी है, वेलकम है, संजू है, केसरी है, जंगली है, मरजावा है, फोर्स 2 है, और वेब सीरीज़ मेरी बहुत आ चुकी है। अभी मिर्ज़ापुर 3 आई है, अभी भूलभुलैया आई है, साउथ की मूवी थेरन दरबार, यजमाना डायरी, डकल्टी, और सीरियल तो सैकड़ों में है। एज ए खलनायक के रूप में आज आप अल्ताफ शेख ने आपको आमंत्रित किया, कैसा महसूस हो रहा है और क्या दुआ देना चाहेंगे अल्ताफ शेख? ये महसूस हुए का सवाल नहीं कि कैसा महसूस हुआ, हमें ये खुशी हुई कि हमें इस कार्यों के लिए बुलाया जा रहा है। मैं अवार्ड फंक्शन में जाऊं ना जाऊं वो मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मेरा मुद्दा था कि भाई ने मेरे को इस काम के लिए बुलाया है कि मैं गरीबों के लिए खाना खिला रहा हूं। मैं उठ के आया हुआ हूं, बिहार से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, अदरवाइज़ मेरे को अगर कोई 10,000 भी देना कि ऐसे घूम के आ जाओ नहीं आऊँगा, लेकिन भाई ने बोला कि भाई मैं गरीबों के लिए कुछ कर रहा हूँ अपने हाथों से, आप भी 2 रोटियाँ खिला के दो तो हमारे को बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, तो इसलिए भाई हम तो दिल से शुक्रिया करते हैं। एक ही बात बोलूँगा, हम आपको ये बताना चाहेंगे पीपल हैप्पीनेस फाउंडेशन लगातार सामाजिक कार्यों को अंजाम देते रही है, वहीं आज हमारे बीच मौजूद हैं जो इस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट अल्ताफ शेख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा सिटी न्यूज़ चैनल में। आप हमें ये बताएं कि किस तरीके का कार्य करती है आपका पीपल हैप्पीनेस फाउंडेशन? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं जो आप लोग ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारी जो एनजीओ है पीपल हैप्पीनेस फाउंडेशन, वो 6 साल से वर्क कर रही है। लॉकडाउन में भी बहुत वर्क करा था हमने, राशन दिया था 2200 से 2300 घर में, उसके बाद में हमने फूड्स जो रहता है पका हुआ वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, वेजिटेबल फूड्स भी दिया था। तो हमारा सिर्फ ये नहीं है कि खाना ही देना है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, हेल्थ में भी काम करते हैं, जैसे बाईपास वगैरह होता है हमारे एनजीओ में फ्री में ऑपरेशन होता है, या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब जो भी रहता है हम करवा के देते कम से कम पैसे में। और दूसरा ये कि एजुकेशन पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि पढ़ाई जो है अभी के टाइम पे माहौल ऐसा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, वो माँ बाप के लापरवाही से या कोई भी रीज़न हो सकती है। हम पढ़ाई पे बहुत हम लोग ध्यान दे रहे कि बच्चे पढ़े आगे बढ़े,
क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो एजुकेशन के ऊपर दे रहा हमारा 2 सेंटर चलता है अभी, जहाँ पे हम 50-50 बच्चे को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। एक कुरला में हमारा सेंटर है, एक गोवंडी में सेंटर है। तो हमें भी आप लोग से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बच्चों लोग को पढ़ाए, तालीम दे और अच्छे रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कार्य जो हम जो करते हमारे कार्य को सराहे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार। कौन कौन से कार्य किए हैं, किन किन फिल्मों में आपने अपनी जो निर्देशिका दर्शाया है? सर बेसिकली मैं रोहित शेट्टी जी का असिस्टेंट रहा हूँ। मैं सिंगम रिटर्न, चेन्नई एक्सप्रेस में काफ़ी ऐसा काम मैंने किया उसमें, प्लस तेवर वगैरह में अच्छा काम किया हम लोगों ने। मैं तारक मेहता उल्टा चश्मा सीरियल में एज एक्टर भी काम किया, डीएसएल असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। एमएक्स प्लेयर, Z5, हंगामा, शमैरो, टी सीरीज, बी फॉर यू और जी म्यूजिक जैसे कंपनियों के लिए 50 से 55 प्रोजेक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्ट कर चुका हूँ। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे एक अच्छी बड़ी प्रोफाइल है अजहर हुसैन डायरेक्टर के नाम से, जिसके वजह से मैं मार्केट में अभी भी काम कर ही रहा हूँ। अभी मैं अभी मूवी कर रहा हूँ एजाज खान, जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल में रहे हैं, बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं, वो अभी एक फिल्म वेब सीरीज़ बना रहे हैं जिसका नाम बॉम्बे बॉन्ड। तो उस बॉम्बे बॉन्ड वेब सीरीज़ में एज एन एक्टर बॉम्बे पुलिस में बना हूँ, उसके अंदर में थ्रू आउट मेरा रोल है पूरी फिल्म के अंदर में, एज अ लीडिंग पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ मैं। 3 महीने से शूटिंग चल रही है, शूटिंग अभी भी रुकी नहीं है मेरी, अभी भी 1 महीना शूटिंग उसकी और है। उसमें इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अल्लाह आपको टाइम दे नहीं पा रहा था, ये कंटिन्यू शूटिंग चल रही है हमारी उस फिल्म में। ये भी काम कर रहे हैं सीरीज़ में बॉम्बे बॉन्ड में, और मैं चाहूँगा आगे आने वाली फ्यूचर में अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़े काम करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एज एन एक्टर अपनी रुचि रखते हैं। शुक्रिया भाई। हम एक ही बात कहना चाहूँगा, ह्यूमैनिटी विद हमारा सिटी न्यूज़ चैनल, और यासीन शेख को जरूर हमें जुड़े रहें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई को तो आप देख ही रहे हैं हमारे साथ वीडियो में, इनको भी सपोर्ट करें भाई।